Arduino का उपयोग करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम ADC दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, Arduino में ADC पिंस, ADC रेजोल्यूशन, DHT11 टेंपरेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, सीरियल मॉनिटर और सीरियल प्लॉटर के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल का अनुसरण करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और सी या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Arduino UNO बोर्ड, Ubuntu Linux 16.04 OS और Arduino IDE का उपयोग कर रही हूँ। हमें कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे DHT11 सेंसर, ब्रेडबोर्ड और जम्पर वायर्स। इस ट्यूटोरियल में हम DHT11 सेंसर का उपयोग करके तापमान और आर्द्रता का पता लगाएंगे। यह सेंसर एनालॉग मानों को एकत्र करता है और इसे Arduino UNO को प्रदान करता है। Arduino ADC पिन इन एनालॉग मानों को डिजिटल मानों में परिवर्तित करेंगे। आगे हम रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। Arduino UNO में 10 बिट रेजोल्यूशन होता है। इसका मतलब है यह 2 की पावर 10 यानी 1024 डिस्क्रीट एनालॉग लेवल्स का पता लगा सकता है। रेजोल्यूशन स्मॉलेस्ट चेंज है जिसे मापा जा सकता है। Arduino 5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, इसलिए 1024 लेवल्स से विभाजित 5 वोल्ट 4.89 मिलीवोल्ट्स प्रदान करता है। इसका मतलब है कि Arduino UNO 4.89 मिलीवोल्ट्स के न्यूनतम परिवर्तन के लिए सेंसिटिव हो सकता है। यह Arduino के साथ DHT11 के लिए सर्किट कनेक्शन प्रदर्शित करता है। Arduino UNO में 6 इनबिल्ट ADC चैनल्स A0 से A5 तक होते हैं। ADC चैनल्स 0 से 5 वोल्ट्स के रेंज में एनालॉग सिग्नल को रीड करते हैं। DHT11 सेंसर का पिन 1 Arduino के 5 वोल्ट पिन से जुड़ा होता है। DHT11 सेंसर का पिन 2 डेटा पिन है। सेंसर का यह डेटा पिन Arduino के एनालॉग पिन A0 से जुड़ा होता है। DHT11 सेंसर का पिन 3 Arduino के ग्राउंड पिन से जुड़ा होता है। यह कनेक्शन का लाइव सेटअप है, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम Arduino IDE में प्रोग्राम लिखेंगे। Arduino IDE खोलें। हमें पहले इस प्रोग्राम को रन करने के लिए DHT11 Arduino लाइब्रेरी डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। मेन्यू बार में स्केच मेन्यू पर क्लिक करें, इंक्लूड लाइब्रेरी का चयन करें और फिर मैनेज लाइब्रेरीज विकल्प पर क्लिक करें। एक नया विंडो खुलेगा। ऊपर दाएं कोने में हम सर्च टैब देख सकते हैं। यहाँ DHT11 टाइप करें और एंटर दबाएं। हम DHT11 सेंसर के लिए विभिन्न लाइब्रेरीज देख सकते हैं। स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल करें और विनलिन द्वारा सिंपल DHT को चुनें। वर्जन ड्रॉपडाउन बॉक्स में हम लाइब्रेरी के नवीनतम संस्करण का चयन कर सकते हैं। लाइब्रेरी को संस्थापित करने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। DHT11 लाइब्रेरी अब Arduino IDE में संस्थापित हो गया है। विंडो के दाएं बॉटम पर स्थित क्लोज बटन पर क्लिक करें। इस लाइब्रेरी को प्रोग्राम से जोड़ते हैं। स्केच मेन्यू पर क्लिक करें और इंक्लूड लाइब्रेरी को चुनें। डाउनलोड की गई नई लाइब्रेरी आमतौर पर अंत में दिखाई देती है, इसलिए लिस्ट के नीचे स्क्रॉल करें और सिंपल DHT को चुनें। हम कोड विंडो में संकलित हेडर फाइल simplehd.h को देख सकते हैं। दिखाए गए अनुसार कोड टाइप करें। यहाँ हम DHT11 सेंसर के डेटा पिन को इनिशियलाइज करते हैं, जो A0 से जुड़ा है। यह कमांड DHT ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। void setup फंक्शन के अंदर दिखाए गए अनुसार कोड टाइप करें। serial.begin फंक्शन सीरियल कम्युनिकेशन आरंभ करता है। यह सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए बिट्स पर सेकंड में डेटा रेट सेट करता है। 9600 बॉड रेट को निरूपित करता है।
डिले 500 सेंसर से बूट के लिए डिले टाइम है। serial.print कमांड हेडर को यहां निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रिंट करता है। अब हम void लूप के लिए कोड लिखेंगे। हमने DHT सेंसर आउटपुट के लिए दो वेरिएबल्स टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्रिएट किए हैं। DHT11.read सेंसर से डेटा को रीड करता है। यह माइक्रोकंट्रोलर रजिस्टर में रिजल्ट संग्रहित करता है। यह लाइनें डिग्री सेल्सियस में तापमान और परसेंटेज में आर्द्रता को प्रिंट करती है। डिले 2000 वर्तमान आर्द्रता और तापमान रीडिंग को हर 2 सेकंड्स में अपडेट करता है। यह कोड इस ट्यूटोरियल के कोड फाइल्स लिंक में उपलब्ध है। आप इसे डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम को जांचने के लिए कंपाइल बटन पर क्लिक करें। वर्तमान प्रोग्राम को सेव करने के लिए एक पॉपअप विंडो दिखाई देगा। प्रोग्राम को DHT11 रूप में सेव करें। अब आर्डिनो में वर्तमान प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पर क्लिक करें। हम सीरियल मॉनिटर स्क्रीन में आउटपुट देखेंगे। इसके लिए टूल्स मेन्यू पर क्लिक करें और सीरियल मॉनिटर को चुनें। सीरियल मॉनिटर विंडो खुलता है। वर्तमान स्थान के तापमान और आर्द्रता उम्मीद के अनुसार प्रदर्शित होते हैं। विंडो बंद करें। आगे हम सीरियल प्लॉटर में आउटपुट देखेंगे। आइए हम प्रोग्राम को संशोधित करते हैं। दिखाए गए अनुसार serial.print टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लाइन को कमेंट करें। यह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी टेक्स्ट को प्रिंट नहीं करेगा। प्लॉटिंग के लिए हमें केवल तापमान और आर्द्रता के मानों की आवश्यकता होती है। सीरियल प्लॉटर में रिजल्ट देखने के लिए वर्तमान प्रोग्राम को अपलोड करें। टूल्स मेन्यू पर क्लिक करें और सीरियल प्लॉटर को चुनें। सीरियल प्लॉटर विंडो खुलता है। हम दो लाइनों को एक साथ बिंदुओं को प्लॉट करते हुए देख सकते हैं। नीली लाइन लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को इंगित करती है। लाल लाइन आर्द्रता रीडिंग है, जो लगभग 45% है। जहां प्रयोग पूर्ण होता है, उनके आधार पर रीडिंग अलग-अलग होगी। अब सेंसर को अपने हाथों से कवर करें और आपको परिवर्ती रीडिंग दिखेंगे। विंडो को बंद करें। यह प्लस और माइनस 5% RH यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ 20% से 80% के बीच के ह्यूमिडिटी रीडिंग के लिए उपयोगी है। यह प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस के साथ 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रीडिंग के लिए उपयोगी है। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने ADC, that is Analog to Digital Conversion, Arduino में ADC Pins, ADC Resolution, DHT11 Temperature और Humidity Sensor, Serial Monitor और Serial Plotter के बारे में सीखा। नियत कार्य के रूप में Arduino के LED Pin 13 में निर्मित चमक द्वारा अलार्म रेज करें। उपरोक्त मौजूदा कोड को संशोधित करें। संकेतः if else स्टेटमेंट का प्रयोग करें। आपको सीरियल मॉनिटर पर प्राप्त तापमान मान में 1 या 2 डिग्री सेल्सियस जोड़ें। तापमान रीडिंग बढ़ाने के लिए अपने हाथों से DHT11 सेंसर को कवर करें। सोर्स कोड के लिए इस ट्यूटोरियल के असाइनमेंट लिंक को देखें। निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का संक्षिप्त में वर्णन करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है। कृपया इस फोरम पर अपने समयबद्ध प्रश्नों को पोस्ट करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।